ये बात भी हो सकती है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि 26 दिसंबर को यहाँ पर कंपनी बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दे, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स यहाँ पर पब्लिश कर दे? तो गाइस ये चीज भी यहाँ पर पॉसिबल है। 26 ऑफ दिसंबर यहाँ पर अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज जो है कंपनी के 40 डेज का एक्सटेंशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आज 40 डे का एक्सटेंशन यहाँ खत्म हो जाएगा, तो एक्सटेंशन खत्म होने से कंपनी हो सकता है कल के दिन यहाँ पर अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दे। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज यहाँ पर होगी। सो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम काफी ज्यादा यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आज इसी के साथ यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटीज के बारे में और बात यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होगा कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करती? अगर कोई भी कंपनी अपने जो एक्सचेंजेस पर यहाँ पर लिस्टेड है, सेबी एज पर सेबी गाइडलाइंस यहाँ पर लिस्टेड है मार्केट के अंदर, वो अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस नहीं करती, तो उस कंपनी के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है? तो पहली चीज यहाँ पर हो सकती है, पहला यहाँ पर ये हो सकता है कि उस कंपनी को एक्सटेंशन दिया जाएगा, सेबी उसको एक्सटेंशन देगी, या फिर वो कंपनी खुद एक्सटेंशन मांगेगी, क्योंकि सेबी ने यहाँ पर 40 दिन का एक्सटेंशन मांगा। लेकिन क्या इसके बाद भी कंपनी को और एक्सटेंशन मिल सकता है? क्या इसके बाद और एक्सटेंशन कंपनी यहाँ पर मांग सकती है? तो यस, यहाँ पर कंपनी इसके बाद और एक्सटेंशन मांग सकती है, 1 वीक से लेकर 2 वीक का एक्सटेंशन और कंपनी यहाँ पर मांग सकती है, लेकिन उससे ज्यादा का एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद कंपनी को यहाँ पर रीजंस भी देने होंगे दैट किस रीजन से कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए, एक्सचेंजेस के साथ सेबी के साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं की, या फिर नहीं अनाउंस करे। तो ये चीज यहाँ पर सेबी को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा रीजन्स यहाँ पर क्या है। तो उसके बाद फिर आप क्वार्टर रिजल्ट आपको एक्सटेंशन मिलेगा 1 से 2 हफ्ते का, तो ये चीज यहाँ पर। लेकिन अगर आप वो 1 टू 2 वीक वाला टाइम भी अगर आप खो देते हैं, अगर वो टाइम में भी आप अपने रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस नहीं करते, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? तब आपकी यहाँ पर जो है आपकी लिस्टिंग जो है आपकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग यहाँ पर आपकी रोक दी जा सकती है। तो आपकी ट्रेडिंग पे यहाँ पे खतरा पड़ जाएगा कि आप यहाँ पे अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रहे हैं। कोई तो रीजन है, कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से आप रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रहे हैं, और आपकी ट्रेडिंग यहाँ पर रोक दी जाएगी, सस्पेंड कर दी जाएगी। और यही चीज अगर देखें तो जो ब्राइटकॉम ग्रुप हमारा शेयर है बीसीजी में, अभी देखें तो यही सस्पेंशन यहाँ पर चल रहा है। जो हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर है वो ये कि सेबी कब यहाँ पर एक्शंस लेती है, तो दूसरा सवाल का जवाब हम यहाँ पे काफी टाइम से देख ही रहे हैं कि कंपनी के पूरे मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर चेयरमैन, सीईओ, इन सब के ऊपर सेबी ने यहाँ पर गाइडलाइंस के अंदर इनको वॉयलेशन में डाला है। तो वॉयलेशन में डाला है यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंजेस में इतना, क्योंकि इनको शेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न का खराब था, शेयर इन्होंने मतलब सेल ऑफ किए थे या फिर दिए थे एक दूसरे को, जिसकी वजह से यहाँ पर सेबी के वॉयलेशन के अंदर ही है। पूरा रीजन आपको चैनल पे मिल जाएगा, क्या क्या रीजन यहाँ पर है। सो इतनी दिनों से हम बात कर ही रहे हैं, आपको मिल जाएगी चैनल पर। सो गैस अभी साल ये दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंजेस की तरफ से वॉयलेशन यहाँ पर डाला गया है, तो ये एक रीजन यहाँ पर है, वो अभी यहाँ पर चल रहा है। दूसरा रीजन, अगर 2 वीक 1 वीक का यहाँ पर कंपनी टाइम एक्सटेंड और कर देती है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग बंद हो सकती है। ट्रेडिंग बंद होने के एक रीजन ये भी है, वॉयलेशन ऑफ एक्सटेंशन। और दूसरा रीजन ट्रेडिंग बंद होने का है वो है, अगर ट्रेडिंग की फीस कंपनी कम कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है मार्केट के अंदर, अगर वो ट्रेडिंग फीस यहाँ पर नहीं देती है ऑन टाइम, ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग फीस होती है, अगर वो टाइम पर नहीं देती है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर सस्पेंड कर दी जा सकती है। और ये सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स के लिए नहीं होता, अगर आपके पास भी शेयर है तो आपकी ट्रेडिंग भी सस्पेंड हो जाएगी। पर सस्पेंशन और दूसरा हमारा टर्म यहाँ पर होता है डीलिस्ट, जी हाँ दोस्तों, सस्पेंशन एंड डीलिस्ट ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। तो सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। सस्पेंशन या तो आपका ये हो सकता है कि एएसएम गाइडलाइन, एक बड़ी वाली गाइडलाइन होती है लॉन्ग टर्म की होती है, उसके अंदर आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। उस एएसएम लिस्ट के अंदर क्या होगा, या आपका स्टेट आपका जो स्टॉक है, जो आपने स्टॉक बाय करा था, वो आपको एक पर्टिकुलर डे पर ही ट्रेड करता देखने को, जैसे कि मंडे, यानी मंडे के दिन ही आपको स्टॉक ट्रेड करता देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। विशेष इन्फो टेक्निक यानी एमपीएस इन्फो टेक्निक भी एक ऐसा ही शेयर था जो सिर्फ और सिर्फ मंडे टू मंडे ट्रेड कर किया करता था। बायोजन फार्मा ये भी ऐसा ही शेयर था जो मंडे टू मंडे ट्रेड किया करता था। तो इन्होंने अपनी फीस अपनी उन्होंने अपनी काफी टाइम तक फीस पे नहीं करी थी, ट्रेडिंग फीस पे नहीं करी थी एक्सचेंजेस को, जिसकी वजह से इनकी ट्रेडिंग यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो ट्रेडिंग सस्पेंशन ये चीज होती है। तो मंडे टू मंडे यहाँ पर हो सकता है ट्रेड करे स्टॉक, अगर ऐसा होता है तो। ये इस चीज को होने में बहुत टाइम है, अभी तो हम बहुत जल्दी कह रहे हैं, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन देखो हम सब चीजों से हमें यहाँ पे डील करना होता है। अगर कंपनी रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रही है तो
देखो अभी तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है इस टाइम पे, मैं अभी 6:15 हो रहे हैं इस टाइम पे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 6:15 यहाँ पर हो रही है, हो रहे हैं, हमारा 12 बजे तक का टाइम है, 25 दिसंबर तो यहाँ पे 12 बजे खत्म होगा ना, तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 भी यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, बट स्टिल 12 बजे का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे वेट कर सकते हैं 26 दिसंबर का। तो जरूरी है कंपनी को यहाँ पे प्रायर नोटिस देना हो कि अभी हम Q2 के रिजल्ट अब अनाउंस करेंगे, उसके बाद फिर कंपनी नेक्स्ट डे Q2 के रिजल्ट दिखाए। नहीं, कंपनी ऑलरेडी अपने प्रायर नोटिस के अंदर 15 नवंबर को कंपनी बोल चुकी है कि 40 दिन का एक्सटेंशन मांगे और 40 दिन बाद कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करेगी, तो उसके लिए कंपनी को फिर से नोटिस देने की जरूरत नहीं है, फिर से नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि कंपनी अपने आने वाले कल के अंदर यानी 26 दिसंबर को अपने Q2 के रिजल्ट देगी। कंपनी बिना कुछ नोटिस दिए भी सीधा अपने Q2 के रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर सके, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट मीटिंग के अंदर कंपनी ने ये चीज यहाँ पर अनाउंस कर ही दी थी, तो कल के दिन भी यहाँ पर Q2 के रिजल्ट अनाउंस हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ कि 1 से 2 वीक का जो टाइम है, अगर वो यहाँ पे कंपनी फिर से मांगती है तो फिर से रीजन कंपनी को यहाँ पे देने होंगे, किन रीजन से, या तो एक मेजर रीजन तो कंपनी यही दे सकती है कि ऑर्डर अपॉइंट नया हुआ था उनको, ये सब चीजें तो पता ही है आपको, तो ये भी एक कंपनी यहाँ पर रीजन दे सकती है। तो बाकी सारे आउटकम मैंने आपको बता दी कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है अगर कंपनी रिजल्ट अनाउंस नहीं करते, और जो मेजर डिफॉल्टर यहाँ पर होते हैं, जो जो कंपनीज क्वार्टर रिजल्ट लगातार अनाउंस नहीं कर पाते, क्वार्टर मान लो Q1 नहीं दिया फिर Q2 भी नहीं दिया, तो ऐसी जो कंपनीज होती है उनके ऊपर आप देखोगे ज्यादातर ये सब चीजें देखने को मिलती है। बायोजन फार्मा और एमपीएस इंफोटेक्निक, इनके नाम मैं बार बार क्यों लेता हूँ कि ये छोटी कंपनीज तो भले ही हैं लेकिन फिर भी ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो अनाउंस नहीं करती हैं कंपनी। आप देखेंगे तो लास्ट कई बार क्या होता है कि अभी दिया हो तो दिया हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये 2-3-3 क्वार्टर अपने रिजल्ट ही अनाउंस करती है, फिर अचानक से इनको याद आता है क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर देने हैं, तो अचानक से सारे रिजल्ट एक साथ पब्लिश कर देती है। लेकिन फिर इनके ऊपर सस्पेंशन भी लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सस्पेंशन भी लगते हैं, स्टॉक प्राइस एक लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के अंदर चले जाता है नीचे के लेवल पे, फिर जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो ये तेजी में भी आ जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर BCG में भी क्या हो सकती है, सारे आउटकम्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी, क्या आपको लगता है क्या BCG के अंदर भी ये चीज यहाँ पर होगी, क्योंकि देखो हम हर हर कोई किसी ना किसी से सीखता है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो आप कोई कमेंट करोगे तो आपसे भी मैं सीखूंगा, मैंने अगर कुछ सही बात बोली तो आप भी शायद कुछ सीख जाओ, वरना बेसिकली तो ज्यादातर मुझे लगता है कि मैं ही काफी कुछ यहाँ पे लर्न करता हूँ आप लोगों से, जो कमेंट आ जाता है उनसे काफी कुछ मेरे को यहाँ पे सीखने को मिल ही जाता है। तो आपको क्या लगता है, अपना अपना यहाँ पे व्यू पॉइंट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।